हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरीश साहू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम जो है पिछले दो लेक्चर जो है एक नंबर के क्वेश्चन और दो नंबर के क्वेश्चन जो कंप्लीट कर रखे थे यूनिट नंबर फर्स्ट। किसके बारे में बच्चों? यूनिट नंबर फर्स्ट अम्ल क्षार और लवण के चैप्टर में, है ना। चैप्टर नंबर क्या है? ये चैप्टर नंबर 2 था, जिसका पूरा डिस्कशन हमने कर रखा था बच्चों। अब आज हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चार अंकों वाले जितने भी प्रश्न हैं उसका डिस्कशन किस पे करेंगे। आज डिस्कशन का जो टॉपिक है आपका वो क्या है? अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है और यूनिट क्या है, यूनिट फर्स्ट का, उस पर आज हम चर्चा करने वाले बच्चों। अम्ल क्षार और लवण के पूरे जो चार नंबर का क्वेश्चन है उस पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते क्या। अम्ल क्षार और लवण के चार नंबर वाले, चार अंकों वाले जो प्रश्न है उस पर चर्चा। तो देखो भाई, सबसे पहले अब देखो, अब जैसे रिपीटेड क्वेश्चन क्या क्या आया था उस पर चर्चा करते हैं। तो अभी रिसेंटली आया 2022 में कि सोनाक्षी ने जब 4 विलियन PQRS की सार्वत्रिक सूचक से जांच किया, तब उसका pH वैल्यू जो कितना कितना है, क्रमशः 13, 7, 2, 8 इतना प्राप्त हुआ। देखो वो पहले से क्या दे रहा है बच्चों हमको, हमको दे रहा है PQRS नाम का कुछ दे दिया है। क्या वो जो टेस्ट किया है ना, क्या विलियन, और उसको टेस्ट किया है किसमें, सार्वत्रिक सूचक से, है ना। अब सूचक से टेस्ट किया मतलब क्या, टेस्ट मतलब क्या, उसका परीक्षा किया, जब परीक्षण किया विलियन का, तो उसका रिजल्ट क्या क्या आया, 13, 7, 2 और 8 इतना प्राप्त हुआ। अब उसके आधार पर आप बताइए कि कौन सा विलियन जो है क्या क्या है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, कौन दुर्बल क्षारीय है और कौन प्रबल क्षारीय है। तो बच्चों, मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक ये बोलते आया हूं और आज भी बोलूंगा और कल भी मैं बोलूंगा इस बात को, कि जितना सारा क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में वो पूरा pH पर बेस्ड है और क्या, सूचक पर बेस्ड है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो सिर्फ इसी पर बेस्ड आ रहा है। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि pH और आपके सूचक का कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर करके ही छोड़ना है, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ऐसा क्वेश्चन को आपको डील करना है। तो चलो इसका शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपके आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि सर, अगर ये जब दिया हुआ है तो हमें कैसे जानेंगे कि ये जो है प्रबल अम्ली है, ये उदासीन है, ये दुर्बल क्षारी है, या फिर ये प्रबल क्षारी है, ये कैसे जानेंगे। तो भाई इसका आपके पास एक एकमात्र सॉल्यूशन है, क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है इसका सॉल्यूशन है। बस आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे डील करना है। इसमें लिखने कुछ बात ही नहीं है। किसमें सर? ये वाला क्वेश्चन में। बस आपको जैसा दिया है अब उत्तर करके ऐसे तुरंत लिखना आप। उसके बाद प्रबल अम्ली है, तो देखो इस चारों में से कैटेगरी देखो, प्रबल अम्ली कौन होगा, फिर प्रबल उदासीन कौन होगा, और प्रबल क्षार कौन होगा, और दुर्बल क्षार कौन होगा। अरे बोल दिया कि दुर्बल अम्ल कौन है करके और एक नया कैटेगरी दे दिया, तो उसको भी आप जान जाओगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास चार डाटा दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया है सर? 13, 7 और 2 और 8, ये जो है चार डाटा दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था क्या, PQRS जो विलियन है, तो मैं इसको लिख दूं क्या, PQRS, ये जो मेरा चार विलियन है, है ना भाई। अब ये चार विलियन है PQRS, और इसमें क्या बोल दिया है, वो बोला है कि इसके जो वैल्यू है तब जांच जो है इसका क्या किया, ये pH क्रमशः जो 13, 7, 2 और 8 है, किसका P का कितना है 13 है, Q का 7 है, और R का 2 और S का 8। तो चल लिख दो 13, 7, 2, 8। चलो ये तो दिया हुआ है। अब ये बताओ कि कौन, अब देखो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन यहां से समझ में आएगा कि इनमें से प्रबल अम्ली कौन है। चलो माइंड में अब चीज क्वेश्चन ला ही लो कि प्रबल अम्ल कैसे जानूंगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक से बताऊंगा। आपको पता है कि पीएच जो वैल्यू है वो जो है 0 से लेकर 14 तक रहती है, ठीक है सर। फिर जो बीच में आता है मीडिएटर में, बीच में रहता है, उसको 7 बोलते हैं, है ना भाई। 0 से चलना चालू करोगे आप, फिर 14 में जाओगे तो बीच में कौन आएगा, सबसे मध्यम कौन आएगा, 7 आएगा, और जो 7 होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल, उसको बोलते हैं उदासीन, जो किसको बोलते हैं, हम पानी को बोलते हैं, H2O को बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया। अब 7 को आप बोलते हो उदासीन बोलते हो, पानी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, पीएच वैल्यू जो है 7 होता है, चलो ठीक है सर। तो जीरो साइड जो बढ़ता है, मैं बात कर रहा हूं ये पीएच स्केल है मेरा, अगर पीएच स्केल की बात कर रहा हूं, तो राइट साइड जो है मेरा वो क्या बताता है, अम्लीता को बताता है, और लेफ्ट साइड क्या बताता है, क्षारीयता को बताता है। तो क्या समझ में आया, तो 0 से लेकर जो 7 तक है ना, वो बताएगा अम्ल को, और 7 से लेकर 14 तक है वो बताएगा क्षार को। यहां तक क्लियर हुआ,
यहां तक समझ में आया बच्चों? तो देखो जब हम एक सारणी देखते हैं तो ये सेवन वाला क्या बोल दूंगा, न्यूट्रल बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं उदासीन। अब यहां से देखो जीरो से लेकर छह तक, अब जीरो से लेकर सात तक बोल सकता हूं, तो इधर जितना जाऊंगा मैं किधर जीरो की ओर, तो क्या होता होगा भाई, वो आएगी प्रबलता जो बढ़ेगा इसका, किधर जीरो से लेकर सात जो है उधर मैं अगर जीरो के पास आता जाऊं, मतलब क्या देखो मैं यहां से चलना चालू किया जीरो से सात की ओर जा रहा हूं, मतलब क्या मैं न्यूट्रल होने वाला हूं, न्यूट्रल होने के बाद मैं क्या होने वाला हूं, चार की ओर जाने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है जब शुरुआत हुआ होगा जीरो और एक एक साइड, तो क्या हुआ होगा उसका अम्लीयता ज्यादा रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रबल अम्ल कब रहेगा, शुरुआत में पीएच स्केल की शुरुआत, जो जीरो एक जो रेंज है, जो जीरो एक का जो क्या है बच्चों ड्यूरेशन, इधर कोई चल रहा है कोई गाड़ी घूम रहा है अगर, तो जीरो एक में रुक गया, मतलब ये समझ जाओ कि ये जो है किस क्षेत्र में आ गया भाई, प्रबल अम्ल के क्षेत्र में आ गया, प्रबल अम्ल के क्षेत्र में आ गया। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि जो जीरो से लेकर 14 तक का जो आपका पीएच स्केल है उसमें जीरो से लेकर जो सेवन है वो जो है अम्लीय क्षेत्र को बताता है, और ऐसे बढ़ते गए अगर छह और सात के पास चले गए तो क्या होगा, अम्लीयता धीरे धीरे कम होते नजर आएगी, उदासीनता की ओर जाते रहेगा, और उदासीनता जैसे आने रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है क्षार, जो है क्षार की शुरुआत होने वाला है, तो जो प्रबल अम्ल था वो दुर्बल अम्ल बनेगा। तो इसी प्रकार मैं बात करूं क्षार की, तो क्या करूंगा भाई, मैं ऐसे बढ़ता गया आठ नौ दस से लेकर जो है चौदह तक, फिर चौदह तक आते आते क्या होगा भाई, प्रबल क्षार की वृद्धि होगी। मैं इधर आते पता क्या चलेगा मुझे कि ये जो प्रबल क्षार को बताएगा और ये जो है क्या जो आपका एट और नाइन है वो दुर्बल क्षार को बताएगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों? यही जो है क्वेश्चन है, यही जो 2022 में आया था यही क्वेश्चन 2023 में भी आ सकता है। सोनाक्षी की जगह में मोनाक्षी बोल दिया, साक्षी बोल दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन कैसे भी दे दिए है ना। तो चलो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो क्या बोला ये, अब 13 है पीएच वैल्यू का नाम, मतलब वैल्यू जो है 13 है, किसका पी का, ठीक है। अब देखो ये प्रबल अम्ली है क्या, ये नहीं प्रबल अम्ली है, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, उसका वैल्यू जो है कम से कम होना चाहिए सर, जैसा कि आपने बताया। तो कम से कम क्या दिख रहा है, 13, 7, 2, 8 में सबसे कम कौन दिख रहा है भाई, सबसे कम मुझे दिख रहा है 2, क्या 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं 2 जो है किसका वैल्यू है, आर का, किसका आर का। तो क्या समझ में आया कि जो आर है वो सबसे प्रबल अम्लीय है, यही जो है प्रबल अम्लीय है। क्लियर हुआ यहां तक, तो समझ में आया, आगे बढ़ू। अब मुझे क्या पता चला कि अब उदासीन कौन है भाई, अब बच्चा बच्चा भी बता देगा कि उदासीन क्या है, जिसका पीएच वैल्यू 7 है, और मुझे पता चलता है किसका 7 है भाई, क्यों जो है क्यों का क्यों 7 है ना, 7 है किसका क्यों का भाई, ठीक है। तो क्या समझ में आया, उदासीन कौन है, क्यों, यहां तक समझ में आई। अब बात आगे बढ़ाते हैं भाई, अब देखो क्या पूछा है, उदासीन है ये भी क्लियर हो गया, चलो हम भी सॉल्यूशन कर लिए इसका, ये भी सॉल्यूशन कर लिए। अब दुर्बल क्षारीय कौन होगा, दुर्बल क्षारी कौन होगा और प्रबल क्षारी कौन होगा, देखो प्रश्न देखो, प्रबल क्षारी कौन है और दुर्बल क्षारी कौन है, तो भाई प्रबल क्षारी कौन होगा, जिसका जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, सबसे लास्ट टर्म होगा, तो जाहिर सी बात है जिसका सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू है 13 दिख रहा है, तो पी जो भैया है वो क्या है भाई, प्रबल क्षारी है, और कम देखो और क्या बच गया, 8 दिख रहा है। चलो देखो भाई लिस्ट में आ जाओ, 8 दिख रहा है, किस वाले रेंज में है ये, क्षार वाले रेंज में है, तो ये कम है, तो ये बात का अगर ये कम है तो इसका बात मैं करूंगा किसमें, दुर्बल क्षार में, तो दुर्बल क्षार क्या हुआ 8, 8 किसका है भाई, 8 जो है एस वाले भैया का है, एस नाम है उसका, एस वाले सॉल्यूशन का, एस वाले विलियन का, क्लियर हुआ। और 13 जो है वो किसका है भाई, 13 जो है पी वाले विलियन का, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आप क्या करना है, उत्तर कैसे लिखोगे, बस क्या करना है आपको, उत्तर में जैसे आपको आंसर शीट मिलेगा उसमें आपको टेबल बना देना है, जो पी क्यू आर एस का रेंज दिया हुआ है उसको लिख देना है आपको, ऐसे सीक्वेंस से लिखना आपको, मैं ऐसे राइट लिखा ओरिजेंटल लिखा आपको वर्टिकल लिख देना है, फिर बताना है कि पी का जो वैल्यू है इतना है, अतः ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है 13 जो है प्रबल क्षार होगा, और अगर 8 है तो ये दुर्बल क्षार होगा, और आर है 2 है तो ये प्रबल अम्ल होगा, और क्यू जो 7 है वो उदासीन होगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। क्लियर समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, उदासनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और दो ध्यान दीजिए। अब उदासनीकरण क्वेश्चन जो है हर साल तो नहीं, अल्टरनेट साल में भी आता रहता है भाई। उदासनीकरण सुनते ही आप बताओ क्या होगा, अम्ल और क्षार का चैप्टर ही है, उसके बाद एक थर्ड और नाम है किसका, अम्ल क्षार में क्या भाई, लवण। तो ये लवण क्यों बनता है,
अम्ल और क्षार को मिला दो सर, बनता है लवण। यही तो डेफिनेशन है भाई। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार एक साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, जल का निर्माण करें, तो उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया बात? सर कुछ भी नहीं है इसमें, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। किसको क्या पूछ रहा है? उदासीनी का अभिकरण बताइए, सॉरी उदासीकरण की अभिक्रिया बताइए, किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करता है सर, बना देता है लवण। ठीक है, क्या बना देता है? क्रिया करके लवण बनाता है और साथ में जल का निर्माण करता है, उसे उदासीकरण की अभिक्रिया कहती है। बस यहां तक ही आपको डेफिनेशन देना है। अब पूछा है, अभी चार नंबर के प्रश्न पूछा है भाई, अब आपको इसी में तो कैसे चार नंबर मिलेगा? अभी चार नंबर का है, इसी में चार नंबर नहीं आएगा तो कितना नंबर आएगा भाई? इसमें डेफिनेशन से आपको मिल गया दो नंबर। क्लियर हुआ? अगर और आपको अच्छे से और दिखना है तो आप एक प्रैक्टिकल किए हूं, ऐसा करके भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। कैसे? कि मैं जो है अम्ल लिया और क्षार लिया, एक अच्छे से इमेजिन भी करा सकते हैं। हम हमारे लैब गए, फिर क्या बोल सकते हो, प्रयोगशाला गए, वहां हमने लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जिसका जली विलयन लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन लिया। जब इन दोनों का हमने रिएक्शन करा के देखा तो हमें पता चलता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड जो हमें प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में कुछ क्या मिलता है भाई, हमें जली विलयन जो है, जल जो है मुक्त होते हुए दिखाई देता है, जल जो है अलग से दिखता है। मतलब इससे क्या समझ में आया सर, कि ये जो NaCl है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है भाई, ये जो है लवण है। NaCl को क्या बोलते हो आप? NaCl को आप बोलते हो क्या? सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? सोडियम क्लोराइड, यहां तक समझ में आया बच्चों? हाँ, ये क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, लवण है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जानते ही हो, क्या है भाई, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और किसका रिएक्शन कराया था मैं, तनु सल्फ्यूरिक, सॉरी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लिख देता हूँ, ज्यादा मेंशन नहीं करते इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यहां तक समझ में आया? क्या हुआ है सर इसमें? बस डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन से दो नंबर मिल गया, एक उदाहरण दिया, एक नंबर मिल गया, तीन हो गया। अब एक और कैसे करोगे? एक और उदाहरण डाल दो भाई। क्या उदाहरण है भाई? NaOH लिए हो, अब ले लो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फिर से इसी के साथ रिएक्शन करा दो, फिर बन जाएगा आपका वो, जैसे ये NaCl था वो KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बोलेंगे उसे, और वो जो है प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा और जल जो है मिल जाएगी। समझ में आया? तो इस प्रकार आपको चार नंबर मिल जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन के आने की संभावना है, क्योंकि ये जो 20 में आया था बच्चों, रिपीट होने की संभावना है। बस इसका पैटर्न बदल सकते हैं, कि अगर वो पूछ दिया ऐसा कोई रिएक्शन बताइए जिसमें अम्ल और क्षार मिलता है, क्या बोलोगे भाई? उदासीकरण अभिक्रिया। क्लियर हुआ? अम्ल और क्षार का रिएक्शन से, अभिक्रिया से जो बनता है उसको अच्छे से समझाइए, ऐसा भी पूछ दिया। लैंग्वेज में जो बोल रहा हूं वैसे ना ही पूछे, लेकिन सेंस वैसे पूछ दिए तो कैसे करोगे? उदासीकरण अभिक्रिया के ही बताना है आपको। समझ में आ रही बात भाई? मैं बोल रहा था जो उदासीकरण अभिक्रिया है उसको बस पूछने के लिए वो दो तीन चार पांच छह माध्यम से इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है। वो बोल सकता है सोनू और मोनू गए प्रयोगशाला, सोनू जो है लेके गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मोनू लेके गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों आपस में मिलाकर रिएक्शन किया, अभिक्रिया कराए, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उसको वर्णित कीजिए, ऐसा भी पूछ दिया। ये बात की बात है कि ऐसा ना पूछे, लेकिन देखो सेंस में जाइए, उदासीकरण अभिक्रिया पूछने के लिए वो दो तीन क्या कर सकता है माध्यम से उसको पूछ सकता है। तो यही जो है जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसी से ही आपको क्या मिलता है बच्चों, इसी से ही आपको कैसे लिखना है और आपको समझना है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में। तो उदासीकरण अभिक्रिया हो गया टॉपिक, और सूचक का है टॉपिक, और अब देखते नेक्स्ट में। अच्छा हाँ, ये आपको दिख रहा है बच्चों क्या, नमक। नमक तो कहां से बन जाएगी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, NaCl, वो जो है क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया का एक रिजल्ट है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कुछ पदार्थों के नाम और उनके पीएच मान सारणी में दिए हुए हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करके बताइए कि उत्तर बताइए कि कौन सा जो पदार्थ है उसका पीएच वैल्यू जो है किससे जोड़ा बनेगा। भाई खाने का सोडा दिख रहा है, नींबू का रस दिख रहा है, पानी दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन दिख रहा है, चलो बता दो भाई पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से हमेशा क्वेश्चन आता है और रिपीट होता है भाई। क्लियर हुआ? यहां तक की बात क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्या था वो समझ में आया। अब ये पूछा गया कब, 2018 पूछा गया था। तो चलो देखते हैं बारी बारी से भाई, किस पदार्थ की प्रकृति क्षारी है,
अब क्वेश्चन देखो, किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, मतलब क्या, इतने में खोजो भाई, आपका काम है खोजना पदार्थ के नाम, खाने का सोडा, नींबू का रस, पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलयन। अब खाने का सोडा का कितना होता है, तो भाई पीएच वैल्यू जो है देखते ही पता चल रहा है 8.2 है, किसका, खाने का सोडा का। सोडा क्या है भाई, क्षार है, सोडा का क्षार है, तो देखो 7 ज्यादा है, हाँ है, 8.2 है, ठीक। तो किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय हो सकती है भाई, खाने की सोडा का, ये मैं आंसर देते जा रहा हूं मैं आपको, खाने का सोडा जिसका क्या है पीएच वैल्यू 8.2, ये क्या है, क्षारीय है, क्या है बच्चों, क्षारीय, क्लियर हुआ। और क्या है क्षारीय इसमें, देखो नींबू का रस लगता है क्षारीय होगा, पीएच वैल्यू देखो 2.2 है भाई, ये तो 7 से कम है, मतलब ये पक्का क्या है भाई, पक्का ये अम्ल है, मैं अभी अम्ल की बात नहीं कर रहा, मैं क्षारीय ढूंढ रहा हूं, ठीक है। हाँ, पानी 7 है, कोई मतलब नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 13 है, बताओ भाई क्या है, 13 बोल रहा है मतलब समझ जाओ क्या है, ये भी क्षारीय है, बात समझ में आई बच्चों, क्षारीय विलयन के, तो क्या कर डालोगे भाई, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है और जो आपका क्या है ये खाने का सोडा है, वो क्या आ जाएगा, क्षारीय के अंतर्गत आ जाएगा। अब लिखना आंसर, उत्तर लिखो, फिर ये लिखो किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, तो क्या लिखोगे, निम्न पदार्थ के प्रकृति क्षारीय है, बराबर करना, डिस करना, फिर लिखना आपको, ये 8.2 वाला कौन है भाई, 8.2 वाला है खाने का सोडा, और 13.0 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, इसको लिख देना है, ये इससे आपको नंबर मिल गया। अब किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, नींबू का रस देखते ही पता चल गया इसका आंसर, ये हो गया। किस पदार्थ की प्रकृति उदासीन है, बता दो भाई, पानी, बच्चा बच्चा बता देगा, क्लियर हुआ, यहां तक की बात समझ में आई आपको, तो चलो ये हुआ आपका पीएच वैल्यू का फिर से इजी और एकदम हलवा वाली क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, राजू ने 5 विलयन ए बी सी डी ई की सारूति सूचक से जांच किया, तब पीएच मान जो है इतना इतना था, इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन जो है दुर्बल अम्ली होगा, दुर्बल क्षारीय होगा, प्रबल अम्ली होगा, प्रबल क्षारीय होगा, या फिर उदासीन होगा। भाई ऐसी क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार आता है और रिपीट होता है भाई, तो इसका भी बता सकते हो आप, ये जो आपके लिए होमवर्क भी दे सकता हूं मैं, अगर आप करना चाहो कर भी सकते हो, या फिर बताना चाहो तो मैं अभी बता भी देता हूं भाई। तो देखो क्या बोलता है, अब दुर्बल अम्ली कौन होगा भाई, चलो बताओ, दुर्बल अम्ली मतलब क्या, 7 के आसपास, तो 7 के आसपास कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और 7 दिखते क्या पता चला भाई, ये क्या होगा सर, ये उदासीन हो गया, क्लियर। अब दुर्बल क्षारी कौन होगा, दुर्बल क्षारी मतलब क्या, 7 के थोड़ा आगे, तो 7 के आगे कौन दिख रहा है, 9, समझ में आया ना, टेबल में, टेबल जो पढ़ाया था आपको उसी से ही है, जो टेबल पीएच के स्केल बताया था, जो दिखाया था आपको उसी से ही पूरा फंडा आ रहा है, आपको टेबल भी याद होगा, क्या 0 से लेकर 14 तक चलना है, 0 से 7 की बात करूंगा तो वो अम्ल के क्षेत्र है, और 7 से 14 की ओर चलूंगा तो वो क्षार का क्षेत्र है। यहां तक समझ में आई बच्चों बात, यहां तक समझ में आई। अब प्रबल अम्ल कौन होगा भाई, 7 के आसपास, देखो 7 के आसपास कौन है, सॉरी प्रबल अम्ल बोल रहा है, मतलब क्या 7 से दूर होना चाहिए, 1-2 के आसपास होना चाहिए, ये देखो 1 दिख रहा है, क्लियर। अब क्या बच गया, 9 तो हो गया, सब तो हो गया, दुर्बल क्षारी कौन होगा भाई, दुर्बल क्षारी मतलब ये होगा आपका 9, हाँ दुर्बल क्षार तो ये हो गया, ये दुर्बल अम्ल था, दुर्बल अम्ल होगा आपका ये हो गया 6, क्लियर। इस प्रकार आप बांट दिए, समझ में आया बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इससे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों, बस यही जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसी से, और इसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, और इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भले बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा आएगा, इसी से ही आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी से आता है, और दो तीन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे एडवांस ले जाना है ये भी मैं आपको बता दिया, और अगर पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या वो बोलेंगे अगर कि, अच्छा देखो यहाँ आंसर भी तो दिया था भैया, आंसर आपको दिया था, क्या है आंसर कि ये जो दुर्बल अम्ल है ना, वो दुर्बल अम्ल क्या है, ई है, देखो कहाँ ई कौन सा है भाई, ये वाला, अच्छा है, क्लियर। दुर्बल क्षारी ए है, दुर्बल क्षारी क्या है, ए, देखो ए कौन सा है, ए वाला, ये 9। प्रबल अम्ल जो सी है, सी कौन सा है भाई, आपका सी है ए बी सी मतलब 1, क्या है भाई ये प्रबल अम्ली, प्रबल अम्ली क्यों, क्योंकि 1 जो है 7 से पहले वाला सबसे टॉप जो स्टार्ट करता है वो प्रबल क्षेत्र आता है, क्लियर। प्रबल क्षारी जो डी है, डी देख लो भाई 13 राइट से बात है, सबसे लास्ट साइड, फिर लास्ट क्या आपका
उदासीन जो है बी है, जानते हैं H2O ही होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आई बात बच्चों? यहां तक समझ में आया? चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्या कि उसमें सोसी और उसमें छिपी, ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे आप, नेक्स्ट यूनिट में देखोगे, है ना। उसके साथ में 2017 में आया था क्वेश्चन, 2017 में आया था, एक साथ दे दिए थे, है ना। तो उसमें हमने देखा कि जो नीचे वाला क्वेश्चन वो तो हमारे चैप्टर का है, तो इसका हम इसको लिए है, साथ में ये भी दिया था, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, ये जब चैप्टर आएगा बच्चों तो इस पर हम डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। हाँ, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। अब देखो भाई, इसका दो नंबर के क्वेश्चन भी आता है तो इसी भी पूछ सकता है, अभी चार नंबर में भी पूछ सकता है। तो भाई हमने दो नंबर के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो प्रबल अम्ल का डेफिनेशन दे देना पहला, दूसरा उसका एग्जांपल दे देना, दो क्या हो गया भाई, दो नंबर मिल गया, फिर प्रबल क्षार का डेफिनेशन दे दो, फिर उसका दो एग्जाम्पल दे दो, क्या पता चला भाई आपको, चार नंबर तो मिल गए पूरे में पूरे। बस लिखना कैसे आपको, आपको बहुत ही अच्छे और सुसज्जित तरीके से आपको क्या करना है, वे पदार्थ से लेकर पूरा कहते हैं तक अच्छे से लिखना बच्चों, बीच में अच्छा सेंटेंस लिखना भाई, वे पदार्थ उसके बाद कहते बस छोड़ के नहीं आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो ये करना, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल को भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल देना, जितना हो सके आप एग्जाम्पल दीजिए। अगर आपको मिलता है रिएक्शन, आपको अगर लगता है याद है आपको अभिक्रिया है, तो उसको भी लिख के आइए, बिल्कुल बच्चों। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो बच्चों हमने चार अंक के जो क्वेश्चन है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर हमने डिस्कशन कर दिया, जो कि क्या है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है भाई। चार नंबर का रहा है इस चैप्टर से, अगर इससे रहा है इस चैप्टर से, तो आने वाली है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से। अब हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे, उस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों, जिसमें आने वाला था इस अम्लक्षार में इतना ही क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है और इसी से घुमाकर पूछेंगे, और कुछ नहीं आने वाला इससे। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, पूरा आ गया होगा भाई, मैं मान के चलता हूं। अब ये चीज जान लीजिए कि भाई बहुत ही ज्यादा सरल है, ये कठिन नहीं है, बस आपको रूल्स के साथ और कंटिन्यू आपको वॉच करना है, कंटिन्यू आपको देखना है, और कंटिन्यू आपको हमारे साथ जुड़े रहना है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों, और आप फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हिम्मत करिए और पढ़ते रहिए, कुछ ही समय जरूर बचा हुआ है एग्जाम का, लेकिन अगर कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर भी हो जाएगा और एग्जाम का प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, और हमारी इस ऐप में अभिप्सा का जो ऐप है उसमें आप आइए, और बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो क्लियर करना है, पूरा हर चीज जो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। और हमारे इस मिशन जो एग्जाम है, मिशन जो 2023 का एग्जाम है 10वीं और 12वीं के, उससे जुड़े हुए जो अपडेट्स है उसको आप रेगुलर देखते रहिए, जुड़ते रहिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।